हेलो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पढ़ेंगे। कल हमने ओवरटोन, हारमोनिक्स, उसके डिफरेंट मोड्स स्ट्रिंग के, उसके एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, ठीक है। आज हम उसके लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देखेंगे। हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज एन इज इक्वल्स टू 1/2L/T/M, ठीक है। अब इस पे से देखो, एल को फ्रीक्वेंसी कैसी जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेंशन को कैसी जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी, को कैसी जा रही है, फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हम लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ। फर्स्ट जाएगा लॉ ऑफ लेंथ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस पे से हम बोल सकते हैं एन एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम इनवर्स वेरिएशन ले रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट जाएगा, एन एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन जाएगा, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ अगर आर केप्ट कॉन्स्टेंट। अगर हम इसे कॉन्स्टेंट रखते हैं, टेंशन को और मास पर यूनिट लेंथ को, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल जाएगी, लेंथ, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ। नेक्स्ट लॉ ऑफ टेंशन, यही द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, टेंशन को कैसी जा रही है, डायरेक्टली, तो इनवर्सली की जगह वर्ड क्या आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। यानी यहां पे टेंशन को प्रोपोर्शनल जा रही, तो एल और एम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। एल एंड एम आर कॉन्स्टेंट एंड एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। तो इसको अगर सॉल्व किया हमने तो ये क्या जाएगा, दैट इज एन अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज लॉ ऑफ टेंशन। नेक्स्ट आता है, दैट इज लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, दैट इज स्मॉल एम, या फिर हम उसको मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। फिर से भाई, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, अब डायरेक्टली है लीनियर डेंसिटी को कैसा जा रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्स, सॉरी नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या जाएगा, अगर डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है तो टेंशन और लेंथ को कैसे जाएगा वो, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे टेंशन एंड लेंथ आर कॉन्स्टेंट और यहाँ पे क्या आएगा, n is inversely proportional to square root of its m. So constant कैसा जाएगा, n into root m is equals to constant. यहाँ पे हम density भी constant बोल सकते हैं and radius also constant. ऐसा क्यों, देखो हमने n is inversely proportional to square root of m बोला है और m की value क्या होती है, small m is कैपिटल एम अपॉन एम, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। और मास का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला क्या जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये इसमें डाल दो तो मास की जगह क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जाता है, दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ लेंथ गेट कैंसल, बचा क्या, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और स्ट्रिंग का एरिया यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे मैं एक वर्ड और डाल सकती हूँ, एन रूट एम की जगह मैं वर्ड क्या डाल सकती हूँ, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे भी एम की जगह
हम वर्ड क्या डालेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम के जगह एम की वैल्यू मिली है हमें ये, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर। यानी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है डेंसिटी को कैसी जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस को भी कैसी जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इस टर्म में हम अगर बोलते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, तो इन दैट कंडीशन टेंशन और लेंथ तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, साथ में डेंसिटी और रेडियस भी क्या रखनी पड़ेगी हमें, कॉन्स्टेंट। तो उस पे से एन अंडर रूट रो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम वर्ड क्या यूज करेंगे, दैट इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, थैंक यू।